नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाबनी पटनायक। महाशिवरात्रि के अवसर पर स्वयं शिवराज सिंह चौहान भोपाल बड़वाले महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर स्वयं की पत्नी साधना सिंह चौहान भी मौजूद रही। उन्होंने विधिवत आराधना के साथ ही संपूर्ण जगत के कल्याण की प्रार्थना की है। इस मौके पर स्वयं शिवराज ने लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई दी, प्रदेश की सुख शांति के लिए प्रार्थना की, हर घर आंगन में सुख शांति हो। तो पूरे देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है, जहां पर सीएम शिवराज ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। सीएम के साथ इस दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद थी। दोनों ने प्रदेश के सुख शांति के लिए प्रार्थना की है और प्रदेश में महाशिवरात्रि की धूम भी जगह जगह पर देखी जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जो है मंदिरों के सामने देखी जा सकती है और ऐसे में आज के दिन का खास महत्व है, मान्यता है, जहां पर कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप व्रत और तप करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज के दिन मां पार्वती को शिवजी नजर आए थे और ऐसे में घोर तपस्या और व्रत के साथ माता पार्वती ने शिवजी को आज प्रसन्न किया था। तो आपको बता दें कि प्रदेश में महाशिवरात्रि की धूम जो है वो देखी जा रही है। सुबह से ही मंदिरों के सामने भक्तों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती है, भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। तो सीएम शिवराज जब भी मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। सुबह बाबा की विशेष भस्म आरती हुई। मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा महाकाल की नगरी आज पूरी तरह शिवमय हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महाकालेश्वर मंदिर के गणेश मंडपम में। आप सामने की ओर देख सकते हैं कि यहाँ बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हो रहा है। लगातार सुबह से ही पूजन पाठ चल रहे हैं, क्योंकि आज बाबा की विशेष भस्म आरती की गई है। 3 बजे बाबा को पंचामृत अभिषेक से स्नान कराने के बाद भांग से श्रृंगार किया गया। उसके बाद श्वेत वस्त्र ओढ़ाने के साथ ही यहाँ पर भगवान को भस्म रमाई गई है। भस्म रमाने के बाद बाबा को आकर्षक वस्त्र धारण करवाए हैं। उसके बाद झांझ मजीरे और ढोल नगाड़े के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती संपन्न हुई है। आज की भस्म आरती के लिए श्रद्धालु और पंडे पुजारियों को वर्ष में काफी इंतजार रहता है। यही कारण है कि यहाँ पर भस्म आरती के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। पंडित जी, आज किस प्रकार की भस्म आरती की, क्या विशेष दिन है? बाबा महाकाल के दरबार में प्रातः काल भगवान महाकाल के ऊपर विशेष भस्म आरती की गई, पंचामृत पूजन किया गया, नाना प्रकार के फलों के रस से भगवान को स्नान कराया गया, भांग और चंदन का श्रृंगार किया गया, भगवान के दरबार में फल और मिठाई का भोग लगाया गया, क्योंकि भगवान महाकाल को आज व्रत है, सायंकाल भगवान का भोग लगेगा, इसलिए अभी प्रातः काल भगवान के ऊपर फरियाल के नल मिठाई और फल लगाए गए, महाआरती की गई है। दिन भर बाबा का यही क्रम चलता रहेगा, सायंकाल बाबा की महापूजा होगी। तो आप देख सकते हैं कि भगवान महाकाल खुद आज उपवास रखे हुए हैं, ऐसा कि पंडे पुजारियों ने बताया है। यहाँ विशेष पूजन अभिषेक चल रहा है जो कि लगातार रात्रि तक चलता रहेगा। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम डोडिया। महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा महाकाल की नगरी आज पूरी तरह शिवमय हो चुकी है। तो महादेव की नगरी काशी में भी महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने।
महाशिवरात्रि का पर्व है और पूरी काशी इसमें शिवमय हुई है। लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से भक्त आए हैं जो कि देर रात से ही लाइन में लगे हुए हैं और अपने क्रम की प्रतीक्षा में कि उनका क्रम कब क्रम आए और कब वो दर्शन पाए। लेकिन तमाम लोग जो है कतारबद्ध है, ये लाइन जो है संख्या में लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं? मेरा जिला से आए हैं। कब से लाइन में खड़े हैं? पीछे दो घंटे से खड़े हैं। देखिए प्रधानमंत्री से मैंने बताया कि जो भीड़ है वो बयां कर रही है काशी विश्वनाथ का जो है जलाभिषेक करने के लिए, महादेव का जलाभिषेक करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। कहाँ से आएंगे? बनारस से ही है। कितना देर हो गया? दो घंटे से लाइन में लगी है। आप भी बनारस से ही है? मुजफ्फरपुर जाएंगे दर्शन करने? कब से लाइन लगे हैं आपको? डेढ़ घंटा पहले लगे। डेढ़ घंटा पहले लगे। इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसा मैंने बताया कि तीन मुख्य प्रवेश द्वार हैं, उसके अलावा एक गीता घाट जो गंगा घाट से है जल मार्ग से, वहां से भी दर्शन करने के लिए जो है श्रद्धालुओं को सुविधा दी गई है। और उसके अलावा बताएंगे अगर सुरक्षा की बात करें तो चाक चौवन सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस PSC के अलावा केंद्रीय जो है खुफिया तंत्र भी एकदम सक्रिय है, स्थानीय खुफिया इकाई भी सक्रिय है, उसके अलावा अर्धसैनिक बल भी पूरे चक्रमण कर रहे हैं और स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। एक माता जी, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं? सूरत से आई हैं। बाबा का दर्शन कराइए। बाबा का जैसे सीन बताते हैं बाहर का वैसे दर्शन हो जाता है, अपना भाव से जाए बताइए। महाशिवरात्रि के दिन है तो थोड़ा भीड़ भाड़ ज्यादा है लेकिन दर्शन आराम से हो जाते हैं और व्यवस्था भी अच्छी है सब। हम सूरत से आए लेकिन हमको ऐसा नहीं हुआ कि दर्शन नहीं होंगे लेकिन आराम से सही में दर्शन हो गए। हम धन्य हो गए, अपनी इच्छाएं देखिए इस तरीके श्रद्धालु में जो आस्था है, जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है आस्था का, आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु इतने मग्न है बाबा का दर्शन पाने के लिए और भीड़ बयां कर रही है काशी विश्वनाथ के जो दर्शनार्थियों के लिए कि आप बनारस इतने पूरी शिवमय हुई है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। महाशिवरात्रि मिसनावत में चित नगरी ओमकारेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से दर्शन के लिए उमड़ने लगी। मंदिर पर विशेष इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट की तरफ से की गई। आज रात्रि में भी ज्योतिर्लिंग के पट खुले रहेंगे, वहीं रात में भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकेंगे। प्रशासन ने घाटों पर पुलिस इंतजाम के साथ सुरक्षा के प्रबंध कर गोताखोरों की टीम लगाई गई है। ओमकारेश्वर में आज महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला यहाँ पर दिख रहा है। वहीं मंदिर ज्योतिर्लिंग में करीब लंबी लंबी लाइनों के बीच श्रद्धालु दर्शन करवा रहे हैं। वहीं आज पूरी रात तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के द्वार खुले रहेंगे। वहीं रात को शयन आरती के बाद मंगल होने वाले मंदिर भी आज पूरी रात श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुले रहेंगे। वहीं मंदिर प्रशासन एवं ट्रस्ट द्वारा यहाँ श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो इस बात के निर्देश और ख्याल रखा जा रहा है। वहीं घाट के पर जगह जगह पुलिस तैनात है और स्थानीय प्रशासन यहाँ पर व्यवस्था बनाने में जुटा है। आज दिन भर में करीब 1,00,000 से अधिक श्रद्धालु तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में आकर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के दर्शन कर मां नर्मदा का ओंकारेश्वर में आज तो तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व की धूम एक दिन पहले से ही देखने लगी है। यहां दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं ने रात में ही आकर तीर्थ नगरी में अपना डेरा डाल दिया था। वहीं मंदिर में सुबह 4 बजे के बाद से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज दिन भर भगवान ओमकारेश्वर के द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी रात खुले रहेंगे। नगरी ओंकारेश्वर में आज महाशिवरात्रि पर्व की धूम है। वहीं आज किस तरीके से धार्मिक आयोजन मंदिर द्वारा संपन्न किए जाएंगे इस संबंध में जानकारी देंगे पंडित टंकेश्वर जी। क्या आज महाशिवरात्रि पर आयोजन यहाँ पर हो जाएंगे? ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः तामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर जो राजा मानधाता की तपस्या से बाबा स्वयं प्रकट हुए हैं, इसमें देवी पाठ में कहा गया है काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि से दारुणा, 4 रात्रियां कही गई है एक जिसमें सबसे श्रेष्ठ है शिवरात्रि। आज शिवरात्रि का पर्व भगवान ओंकारेश्वर के धूमधाम से मनाया जा रहा है। नाना प्रकार की व्याधियों से युक्त होकर के उनको मुक्ति के लिए भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में आज 24 घंटे मंदिर खुला रहेगा।
नर्मदा में स्नान करके, नर्मदा जल लेकर के भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ा के अपने जीवन प्रधार करेंगे। कावेरी का नर्मदयो पवित्र समागमे सज्जन तारणायो सदैव मांधा त्रिपुर वसंतम ओंकार ईशम शिवमेक मीड़े। जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, मनवांचित फल को देने वाले हैं। आज महाशिवरात्रि पर्व पर आकर के लाखों जनता आकर के भगवान के दर्शन लाभ लेकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे, अपने जीवन कृतार्थ करेंगे। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। तो रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर भोजपुर में आज भक्तों का जनसैलाब भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। पूरा शिवालय भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा है। भक्त भगवान भोलेनाथ से जो मांगते हैं उनकी हर मुराद यहां पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ का महाशिवरात्रि का पर्व और भक्ति में डूबे हुए जनसैलाब, आप ये बयां कर रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये नजारा देख सकते हैं कि भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने कैसे, महादेव दर्शन करने कैसे भोजपुर मंदिर पे पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, जयकारों के नारे लगा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रमे हुए हैं। आप ये कल्पना करिए कि आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करा रहे हैं, किस प्रकार जनता का हुजूम लगा हुआ है। करीब 3 से 4 किलोमीटर में अगर आपको कुछ दिखेगा देखने को तो केवल जन सैलाब ही दिखेगा कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ की भक्ति में भक्त लीन होकर यहाँ पर आए हुए हैं। बम जय जय बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। वहीं भगवान भोलेनाथ को आज दूल्हे के रूप में सजाया गया है। वहां पर आज यहाँ पर पिंडी के रूप में जो है भगवान भोलेनाथ हैं, उनकी 21 फीट ऊंची और 18 फीट 8 इंच जो है वो लंबी प्रतिमा है जिसमें भगवान भोलेनाथ की भक्ति में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, दूर दूर से दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद अपनी हर मनोकामना पूर्ण करा रहे हैं। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद भक्त अपनी भक्ति में जो रमे हुए हैं तो भगवान के दर्शन करके पुण्य लाभ ले रहे हैं। तो वहीं जय जय बम बम बोले और जय शिव ओमकारा के जयकारों से यहाँ पर शिवालय गूंज रहे हैं। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। और ज्यादा जानकारी के लिए उज्जैन से हमारे संवाददाता प्रेम ढोटियाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रेम, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें है, क्योंकि सुबह से लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है, फिलहाल की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ तस्वीरें? जी हाँ, निश्चित तौर पर महाशिवरात्रि का पर्व धर्मनगरी उज्जैन के लिए बड़ा खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाबा महाकाल खुद साक्षात विराजित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग की कुछ विशेष ही महत्वता है। यहाँ पर ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा महाकाल के मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब किसी प्रकार की कोई कोरोना गाइडलाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर अभी तक लगभग 2 बजे तक 2 लाख करीब श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके। इसके साथ ही शहर के आसपास के भी जो मंदिर है वहाँ पर पूरी तरह शिवमय हो चुका। मैं आपको एक नजारा दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भक्त हैं दूर दूर से आए हुए हैं, यहाँ पर दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। हर कोई चाहता है कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करे और अपने आप को धन्य पाए। क्योंकि आज का दिन बड़ा विशेष इसलिए भी हो जाता है कि धर्मनगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि का पर्व दीप उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पर एक दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। यहाँ पर शाम को 7 बजे शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों पर एक साथ 13 लाख से अधिक दीपक प्रज्वलित होंगे, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज किया जाएगा। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। यह क्या विशेष दिन है आज आप भोले के दर्शन करने पहुंचे? महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर उज्जैन में आज पूरे पर्व को दिवाली की तरह मनाया जा रहा है। मुझे लगता है पहला ऐसा कभी उज्जैन में, शिवरात्रि तो हर बार मनती है लेकिन इस बार जो शिवरात्रि है ये सिंहस्थ का प्रतीत करा रही है कि जैसे सिंहस्थ का मेला फिर से एक बार उज्जैन में 2 दिवस के लिए लगा हो। और जनता में बहुत उत्सुकता है, बहुत भक्तजन इसके लिए उत्साहित है शिवरात्रि को लेकर इस बार। और यहाँ अभी हम हाटकेश्वर पारस शिवलिंग के मंदिर में उपस्थित हैं और यहाँ सुबह से शाम तक लगभग 10,000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण और दर्शन किया। आप देख सकते हैं कि उज्जैन का प्रत्येक शिव मंदिर आज दुल्हन की तरह सजाया गया। आप बाबा के दर्शन करने आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रत्येक भक्त है उत्साहित है, हर कोई चाहता है भगवान के दर्शन करें। और चूंकि यहाँ पर आप लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, मैं कुछ और भक्तों से भी बात करूंगा। आपने दर्शन करे, कैसा लगा? बहुत, मैं अपने सास ससुर जी को हटकेश्वर दर्शन कराने इसीलिए लेके आई हूँ। आज क्या विशेष दिन है? आज शिवरात्रि का।
और दिन ला सकती थी, लेकिन मैंने आज के दिन इनको दर्शन कराने के लिए। हर कोई चाहता है कि आज का जो अवसर है, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने मात्र से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। जी बिल्कुल सेम, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज किया जाएगा, करीब 13 लाख दिए जो है शाम को लगाए जाएंगे। ऐसे में 13 लाख दिए लगाने को लेकर क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं देखी जा रही है, किस तरीके से दिए लगाए जाएंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? जी सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे धर्मनगरी उज्जैन में 13 लाख जो दिए हैं वो तो केवल शिप्रा नदी के तट पर लगेंगे, जो कि विश्व का एक कीर्तिमान रचा जाएगा। इसके साथ ही अगर हम पूरे शहर भर की बात करें तो यहाँ पर करीब 21 लाख दीपक शहर भर में लगाए जाएंगे। शहर के प्रत्येक मंदिर पर, प्रत्येक घर पर, प्रत्येक चौराहा पर, प्रत्येक शासकीय इमारत पर दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। क्योंकि ये जो दीप उत्सव जो पर्व है, इसे जरूर शासन प्रशासन और सरकार कर रही है, परंतु इस दीप उत्सव में प्रत्येक जनता की, आम लोगों की भागीदारी भी कर दी गई है। सर आज दीप उत्सव जो पर्व है संध्या को मनाया जाएगा, किस प्रकार से आप उसमें भागीदारी निभा रहे हैं? देखिए यहाँ उज्जैन की जो नगरी की जो जनता है वो बाबा भोले की अनन्य भक्त है, और यह उत्सव एक महारुद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि व्यक्ति अपना आध्यात्मिक, भौतिक और सांसारिक तीनों विकास कर सके। और यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे बड़ा प्रोत्साहन दिया है लोगों को, और उस प्रोत्साहन के कारण यहाँ पे काफ़ी रश, हर मंदिरों में यही भीड़ और यही रश मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक मंदिर में दीप उत्सव भी मनाया जाएगा, इसलिए लोगों में काफी उत्साह है। हम दीपक जलाने या उसकी बात करें तो जरूर यहाँ पर जिला प्रशासन ने कुछ अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत दोपहर 12 बजे बाद जो शिप्रा नदी के घाटों पर है वहाँ पर आम श्रद्धालुओं के पहुँचने पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि एक ये बड़ा विश्व कीर्तिमान बनने वाला है। रात्रि 8 बजे बाद जरूर श्रद्धालु वहाँ पहुँच सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। शाम को 7 बजे ये दीपक एक साथ प्रज्वलित होंगे। इस व्यवस्था को लेकर करीब 13,000 वॉलंटियर बनाए गए हैं, और ये जो वॉलंटियर है एक साथ एक समय में लगभग 15 मिनट में सभी दीप प्रज्वलित कर देंगे। इसको लेकर 3 दिन पहले से यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम पहुंच चुकी है, उसने जगह जगह निरीक्षण किया है, वीडियोग्राफी की है। जिस समय दीप प्रज्वलित होंगे उस दौरान यहाँ पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी, सभी दीपकों की गणना की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो बाबा महाकाल की नगरी है आज कहीं ना कहीं राम की जो नगरी थी अयोध्या उसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। जी बिल्कुल प्रेम, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हो सके तो जरा मंदिर की तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया गया है, जनसैलाब जो उमड़ रही है मंदिर में, कितने तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर मैं कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करूंगा, और मैं आपको एक मंदिर का नजारा भी दिखाता हूं कि यहां पर किस प्रकार से जो मंदिर सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मंदिर है उसे बड़ा आकर्षक ढंग से सजाया गया है, साजो सज्जा की गई है, अलग अलग तरह के फूल लगाए गए हैं। और ये सामने की ओर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भक्त हैं वे भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर कोई चाहता है कि भक्तों, हर कोई भक्त चाहता है कि दर्शन करें। आप देखिए, आप नंदी के यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, नंदी को पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से भी यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। मैं आपको एक नजारा भी दिखा देता हूँ शिव मंदिर का, चूंकि महाकाल मंदिर के पास ही यह मंदिर है। महाकाल मंदिर में काफी अधिक रश है, गर्भगृह के दौरान नेटवर्क की दिक्कत आती है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो शिवलिंग है इसे बड़ा ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। चूंकि यह जो भारत का शिवलिंग है, उज्जैन शहर में एकमात्र यह ऐसा शिवलिंग है जहां पर बड़ी संख्या में सुबह से दर्शन श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, 10,000 से अधिक श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए। ये देखिए आप, यहां पर एक सहरे का स्वरूप सजाया गया है, फूलों की लड़ियां लगाई गई है भगवान के, मतलब आज जो जिस प्रकार से हमारे उज्जैन में देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में यहीं पर एक यह प्रथा है कि शिव जो महाशिवरात्रि उसे शिव नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, यही कारण है कि यहां पर 9 दिनों तक शिव विवाह उत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार घर परिवार में दूल्हे को सजाया जाता है, हल्दी की रस्में होती है, मेहंदी की रस्में होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये सब रस्में दिखाई जाती है। और अंततः आज बाबा भोलेनाथ का विवाह होगा, शहर भर में झांकियां मनाई जाएगी, विवाह उत्सव के रूप में बारात होगी, और कल अर्थात महाशिवरात्रि के दूसरे दिन यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का सेहरा सजाया जाएगा, जो कि करीब 1 मन से अधिक पुष्पों का होगा। तो कहीं ना कहीं उज्जैन वासियों के लिए यह दिन काफी विशेष रहता है। बिल्कुल, क्योंकि यूं तो प्रतिदिन भगवान बिल्कुल प्रेम। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में मैं सतीश नहीं देखती रही इंटरनेट।